ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए इस उपाय को ज़रूर करना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। 71 यानी 71 चावल के दाने आपको लेने हैं और इस छोटे से उपाय को करना है। इस उपाय को आप चाहें तो कल कर सकते हैं यानी रविवार को दिन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कभी भी जब भी आपको टाइम मिले इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको चावल दिख रहा होगा, जो आप चावल लेंगे कहीं से भी वो टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खड़ा चावल जिसको हम लोग अक्षत बोलते हैं वो आपको लेना है। 71 71 दाने लेने हैं, ना ही एक कम ना ही एक भी ज्यादा, ठीक है। 71 तो 71, ठीक है। आगे बढ़ें, उसके बाद स्क्रीन पर आपको यहां पर शमी पत्र दिख रहा है, ठीक है। शमी पत्र जिसके पास नहीं है वो 71 चावल के दाने और ले लेंगे, लेकिन जिसके पास शमी पत्र है वो 71 शमी पत्र भी लेंगे, ठीक है। शमी पत्र तोड़ोगे कहां से? यहां से पूरा उठाना और ये पूरा का पूरा एक पोर्शन आप शमी पत्र को तोड़ना, इस तरीके से 71 लेना। फिर से बता रहा हूं, जिसके पास शमी पत्र नहीं है वो फिर से 71 जो चावल के दाने आपने लिए हैं वो तो लेना ही है। साथ ही साथ शमी पत्र की जगह पे आप चाहें बेल पत्र ले लेना, या फिर आपकी इच्छा हो तो 71 चावल के दाने और ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ें, उसके बाद क्या करना, उन 71 चावल के दाने 71 शमी के पत्र को आपको लेके जाना है महादेव के मंदिर में, ठीक है। महादेव के मंदिर में पहुंचना, और एक जगह होती है, ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है। अशोक सुंदरी के स्थान की जगह पे आपको 71 चावल के दाने और 71 शमी पत्र को एक बार टच कराना है अपने हाथ में लेकर के, और टच कराने के बाद जो महादेव के ऊपर यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपने बच्चे का नाम लेते हुए। जो बच्चा आपका बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा चंचल है, आपकी इज्जत नहीं करता, कोई भी आपके घर में आ जाए उसे अलग तरीके से एक बहुत गलत व्यवहार करता है, आपकी बात नहीं मानता है, बहुत ज्यादा मोबाइल में गेम खेलता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसी कामना करते हुए कि हमारा बच्चा ऐसा सुधर जाए, जो भी है उसके अंदर जो भी खराब आदतें हैं, ड्रिंक करता हो, कोई नशा करता हो, ऐसी आदत अगर उसके अंदर है, इस तरीके से कामना करके महादेव से वहां प्रार्थना करेंगे। झोली फैला करके जो भी आपको कहना हो महादेव से अपने बच्चे के लिए कह देना है, करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बहुत ही आसान सा और सुंदर सा उपाय था, मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर आपको मुझसे फोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।